मध्य प्रदेश की पावन धरा को नमन करते हुए इसकी माटी को चंदन के समान मस्तक पर अंकित करते हुए, जय जय, चूंकि ये वो धरती है जिसने महान विभूतियों को प्रगटाया है, जय हो जय हो, मैं इस धरती को नमन कर रही हूँ, जय हो। और मेरा सौभाग्य है, क्या बात है बेटे, कि मैं इस धरा पर, आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस धरा पर आई हूँ, जय जय। बड़े ही हर्ष का विषय है, यहाँ पर पावन कथा का श्रवण आप सभी लोग कर रहे हैं, जय हो जय हो। महाराज जी बागेश्वर धाम से पधारे हैं, महाराज जी को नमन है, जय हो, उनसे आशीर्वाद की कामना है, जय जय, और बागेश्वर धाम की जय हो, जय हो जय जय जय। आशीर्वाद लेना चाहूंगी गुरु तुल्य दादा श्री लालचंद दीक्षित जी, जय हो, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैं आज भी यही आशीर्वाद चाहूंगी कि जब तक मेरा जीवन रहे, दादा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्या बात है बेटे, बहुत सुंदर, जय हो। और आशीर्वाद ले रही हूँ महान हस्ती आप सभी के बीच में उपस्थित है, हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष परम सम्मानीय चाचा श्री देवेंद्र तिवारी जी, आपका भी आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, जय जय बेटे, और मैं चाहूंगी कि आजीवन मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, जय हो जय हो। आशीर्वाद ले रही हूँ स्वर्गीय पिता श्री श्री ऋषि विशैला जी, जय हो, आप जहाँ भी हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए, जय हो, और आशीर्वाद ले रही हूँ मंच पे मंचासीन गुरुवर दादा श्री राज कमल खुरपेची जी, जय हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे जितना कुछ आता है टूटा फूटा, वो मेरे गुरु जी की कृपा है, बस मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, क्योंकि समय हो चला है, इसलिए समय को बचाते हुए और कीर्तन विधाओं को छोटा छोटा करते हुए, आइए मैं ज्योति कमल एंड पार्टी बाराबंकी उत्तर प्रदेश मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत है, माताओं बहनों को नमन है, बच्चों को स्नेह है, आए हुए दूर दराज से श्रोता बंधुओं को नमन है। तो लीजिए मेरी तरफ से कार्यक्रम का शुभारंभ है, चलो बड़े, और आज आज की रात्रि में हमारा सहयोग प्रदान करने के लिए आपके ही क्षेत्र की बहुत ही सुंदर और सुरीली कलाकारा, क्या बात है, बड़ी बहन सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी, जय। सारी बातें एक तरफ, पहले आप हमारी बड़ी बहन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जय हो, मिल गया बेटे, मिल गया, जय जय। तो लीजिए मेरी तरफ से कार्यक्रम का शुभारंभ है, कार्यक्रम रात्रि भर का है, स्वाभाविक है त्रुटियां हो जाएंगी, बिल्कुल, अगर हम बच्चों से त्रुटियां हो जाएं, हो जाएं, तो अपना बच्चा समझकर हमें क्षमा कीजिएगा, शाबाश बेटे, हेलो, आ
सरस्वती मैया की जय। हेलो, थोड़ा सा इसको बढ़ाएं भैया, कम हो गया। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो। देखिए कलाकार कोई भी हो, पहले उसकी वंदना जिसकी कृपा से हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत है। हेलो 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 हेलो, तो देखिए वंदना हम भी करेंगे। परम सम्मान्य बड़ी बहन हमारी नीलम विश्वकर्मा जय जय, आप भी करेंगी। चलो बेटे, तो आइए। भक्त कहने लगा माँ माँ, कहा माँ माँ, ये दुनिया आपके आंचल में पलती है। बहुत बढ़िया बेटे। क्या जग की जननी जय जय।
क्या तुम्हारा भी खाता खुल गया। हाँ बेटा चाचा श्री आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं हमारे भैया सोनू सनकी को लिए के लिए। हाँ बेटा इसका आधार कार्ड बनवा लेना बच्चे। भक्त ने कहा माँ माँ देखती है तो माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाती है। सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि जब व्यक्ति हर तरह से हार जाता है तो उसका सहारा केवल माँ ही होती है। जय हो माँ की जय हो। तो कहना पड़ा माँ शादी विवाह में बुकिंग के लिए संपर्क करें। नगर पंचायत के सामने मेन रोड गढ़ी मलहरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। आपकी ओर से ये 100 पद मुद्राएं हैं। आपने और एक बार फिर से उत्साह वर्धन है तो हमारे चाचा जी की तरफ से हमारे चाचा जी को है धन्यवाद है। ले बढ़ो मूंगफली खाओ। हमारे अमित खरे भैया और उनका सहयोग दे रहे हैं अनिल खरे भैया जो कि खरी खरी रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। आप आज ही नहीं आज तक इस रिकॉर्डिंग को सुन पाएंगे। जब भी अपना मोबाइल आप खोलेंगे यूट्यूब चैनल खोलेंगे आपको अगर आपका दिल कहेगा कि ज्योति को सुनना है तो भी हमारे अमित भैया को आप ढूंढेंगे मिल जाएंगे। क्या बात है। और आप उनको ढूंढ लेंगे तो हम मिल जाएंगे। वाह। और हमको ढूंढेंगे तो अपने आप हमारी बड़ी बहन मिल जाएंगी। तो देखिए भक्त ने कहा माँ माँ ज्योति कर के कमल
कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश माता सरस्वती का आवाहन करते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि आप सभी भी माता का आवाहन करें। तो लीजिए, कार्यक्रम प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले श्री रामलला सरकार मंदिर प्रांगण की पावन रज को अपने माथे व हृदय पर धारण करते हुए कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम भाइयों को हृदय से नमन वंदन करते हुए वागेश्वर महाराज जी के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते हुए हम बच्चे कार्यक्रम की तरफ चल रहे हैं। महामाई माता सरस्वती का आवाहन करते हैं। भगवान गणेश, प्रभु श्री रामचंद्र, बालाजी सरकार के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आइए, मेरी ओर से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और लीजिएगा, दूर दूर से पधारे हमारे तमाम भैया दत्ता लोग, सभी को मैं हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ। नमन वंदन की श्रृंखला में नमन वंदन कर रही हूँ हमारे तमाम माताएं बहनें जो कि अभी दिखाई नहीं दे रही है, सुनने वाले जो घर से भी सुन रही हैं मेरी अगर आवाज को सुन रही हैं, तो निवेदन है कि आप लोग माता रानी के दरबार में, प्रभु के दरबार में आए, थोड़ा समय दें कीर्तन के लिए भी। जय हो। नमन वंदन की श्रृंखला में नमन वंदन कर रही हूँ हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री सुनील तिवारी जी, आपको भी हृदय से नमन वंदन है। नमन वंदन की श्रृंखला में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया, आपको भी हृदय से नमन वंदन है। नमन वंदन की श्रृंखला में नमन वंदन कर रही हूँ हमारे परम पूजनीय गुरुवर श्री पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी, आपके चरणों में बार बार नमन वंदन करते हुए आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम को प्रारंभ कर रही हूँ। नमन वंदन की श्रृंखला में नमन वंदन कर रही हूँ शमानिया छोटी बहन ज्योति कमल जी, आपके कुशल और सक्षम साथियों के हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना है। नमन वंदन की श्रृंखला में नमन वंदन कर रही हूँ हमारे गुरु तुल्य दादा श्री राजकमल खुरपे जी, आपको हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना है। नमन वंदन की श्रृंखला में नमन वंदन कर रही हूँ एक साथ सामूहिक सभी के, मैं नाम नहीं जानती हूँ, नमन वंदन कर रही हूँ। नमन वंदन की श्रृंखला में हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री अशोक मिश्रा जी बैठे हैं, आपको भी हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना है। लीजिएगा, संपूर्ण रात्रि में हम बच्चों से त्रुटियाँ होंगी, क्योंकि त्रुटियां हमेशा बच्चे ही करते हैं, आप लोग अपने कृपा प्रसाद से क्षमा करेंगे। तो लीजिएगा, इसी आशा विश्वास के साथ कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूं। लीजिए, इसी आशा विश्वास के साथ उपस्थित हैं ये बुंदेलखंड की सबसे सबसे छोटी पार्टी नीलम विश्वकर्मा एंड पार्टी छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। सम्मानीय बड़े भैया हमारे जो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे फिरोजाबाद से पधारे हमारे संजय भैया, आपका भी हृदय से स्वागत है। स्वागत कर रही हूं हमारे दोनों कलाकार के बीच में जो तीसरे कलाकार हैं, हमारे भैया श्री धनुषधारी भगवान की कृपा से जो ये साउंड सर्विस चल रहा है, आपको भी हृदय से नमन वंदन है, क्योंकि आपका सुंदर सुंदर सी व्यवस्था है। बागेश्वर धाम महाराज से यही प्रार्थना है कि तमाम भक्त यहाँ पर जो विराजमान हैं, सब पर आपकी कृपा बनी रहे, बस ऐसी ही कामना है। नमन वंदन करें हूँ, स्वागत कर रही हूँ और भी हमारे भाई जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नाम नहीं जानती हूँ, हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है आप सभी का। हेलो, हेलो हेलो, है ना, छह
चलो बेटे Thank you.
गणेश भगवान की जय। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाया है, जब भी कोई कलाकार खड़ा होता है तो सबसे पहले जब गीत संगीत का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले महामाई माता सरस्वती के चरणों में चला जाता है, कहता है माँ। लेकिन भक्ति और संगीत में किसी प्रकार का व्यवधान ना आए इसलिए सबसे पहले भगवान गणेश जी को मनाता है, कहता है ये बाजे का वॉल्यूम कम कर दें बड़े भैया। गणेश जी के चरणों में सभी से निवेदन है कि वंदना हम लोग भी करेंगे। आप जब महामाई के दरबार में बैठे हैं तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे भाव के साथ अपने भाव मिला लें ताकि वो वंदना हमारे और आप सबकी तरफ से हो जाए। तो कहना है क्या? कि गणराज तुम्हारी महामहिमा जय। पंकज शीस नवाते रहे तो रस रंग करे इतनी विनती विन विघ्न ही है हरि ध्याते रहे नित मंगल मोद मनाते रहे मोहन के गुण गा जी के चरणों में जय हो। बड़े भैया जब भी कुछ अच्छा पाना होता है तो उसमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर भक्ति संगीत में रमना है तो प्रतीक्षा करना सीखो। सब्र का फल मीठा होता है भाई साहब, सब्र रखो। तो कहना है क्या? कि गुरुवर मोहिना को बार बार गुरु जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए कहना है माता भवानी क्या बड़े कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण क्षमा रूपेण कृपा रूपेण नमस्तस्यै नमो नमः। जय हो। बहुत बढ़िया। तो गाया है हृदय से नमः।
नमन वंदन स्वागत है हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया ज्येष्ठ भ्राता हमारे अनंत यादव जी, आपका भी स्वागत है मंच की ओर से। हालांकि वंदन गीत में ध्वनि बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ ध्वनियां मुंबई वालों ने ऐसी निकाली हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं और गाने का मन भी करता है। तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि आ मिल के बांट ले हम जय। और बहुत छोटे मंडल हैं। ये मान लीजिए माता रानी की गीत और संगीत में शून्य है, लेकिन गाना बजाना हाई क्वालिटी का होगा। क्षमा कीजिएगा बड़े भैया, बड़े बोल ना बोले महाराज जी के सामने। बस निवेदन है सभी भाइयों से कि गीत को सुनिएगा, महाराज जी के चरणों में बार बार नमन वंदन है, क्योंकि हम और आप छुपाव कर सकते हैं, लेकिन महाराज जी के सामने साफ दर्पण के सामने दर्पण जैसा दिख रहा है, वो जान रहे हैं मुझ में कितनी क्वालिटी और कितनी नहीं। तो महाराज जी आपके चरणों में नमन वंदन है। वास्तव में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन ऐसा विश्वास है मेरा कि जो कोई इन चरणों में आ जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो बस यही कामना लेकर मैं भी आ गई। और बड़े भैया आप लोग कहेंगे कि ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है, मेरा पहली बार गाना बजाना हुआ मुकेश भैया से नौगांव में, तब महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि महाराज जी ने मुझको दर्शन दिए और आज आपके सामने ये नाचीज कुछ गाने का प्रयास करें, केवल कृपा आपकी है। सुनिएगा सुने। तो हे माँ, आज विद्वान समाज बैठा है, कुछ नहीं जानती तो कहना भवानी क्या बने? कि मुझे गोद में आज उठा माँ,
वाला आपके चरणों में रहना है तो कहना छोरा से पधारे हैं आप और इंजान पत्र मुद्राएं हमारे भैया श्री अशोक विश्वकर्मा जी के लोग भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। बहुत बढ़िया माँ, तो कहना माँ क्या बने? हे भवानी, न कविता है न कलम है, अगर आपकी कृपा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान की देवी हैं। तो हे माँ बेटा मुझे गोद में आज थामा।
विलंब हो गया, कार्यक्रम में बहुत विलंब भी हो गया, क्षमा चाहती हूँ। लेकिन कहना है माँ, कार्यक्रम को गाना मुझको आता ही नहीं, तो हे माँ